कृषि बिल को लेकर भाकियों ने NH-24 किया जाम। भाकियों की चेतावनी, किसान विरोधी बिल वापस नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन। मुंडा पांडे, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 अध्यादेश बिल पास किए गए हैं, जिसे भारतीय किसान यूनियन ने किसान विरोधी बिल बताया है। किसान विरोधी बिल को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज सभी तहसील व जिला कार्यालय पर भारी तादाद में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं ने National 24 हाईवे पर पहुंच गए और पूरा रोड जाम कर दिया। किसान यूनियन को इकट्ठा देख पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए और आनंद फानन में उच्च अधिकारी भी भारी बल के साथ पहुंच गए। वहीं भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेती, तब तक भारतीय किसान यूनियन पीछे नहीं हटेगी। सरकार को बिल में MSP से नीचे खरीदने वाले को दंडित करने के लिए कानून बनाया जाए, जिससे किसान को कुछ फायदा मिलेगा। ज्ञापन में लिखे सभी बिंदुओं पर भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि अगर हमारी मांगे केंद्र सरकार पूरी नहीं करती है तो उसके लिए भारतीय किसान यूनियन उग्र आंदोलन को विवश होगी, जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार खुद होगी। हाईवे जाम हो जाने से आमजन को काफी हद तक दिक्कत का सामना करना पड़ा और भारतीय किसान यूनियन की पुलिस से भी कहा सुनी हुई। प्रशासन भारी बल के साथ मुस्तैद रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी रणधीर सिंह है। आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, NH-24 को जाम किया है, क्या है पूरा मामला और क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, मामला है इस सरकार ने इस कोरोना का आड़ में किसानों के ऊपर 3 बिल थोप दिए, जो क्या किसान विरोधी बिल विरोधी हैं। किसान को उसको बेचने का काम कर रहे हैं ये सरकार, और किसान की MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसान उसकी मांग कर रहा है। ये लोग मंडियों को ख़त्म कर रहे हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह ने इसको जीवित किया था, इसको बनाया था। तो अगर मंडी मर जाएगी तो किसान क्या करेगा? किसान अपना अनाज लेकर के कहाँ जाएगा भाई? ये मंडियों में 16% 20% का टैक्स लगा रहे हैं। बाहर जो ये दलाल बैठेंगे, बाहर जो ये पैसे पूंजीपति वाले बैठेंगे, ये तो बिल्कुल फ्री में खरीदेंगे। ये तो कहेंगे हम तो 2 रुपये किलो ले रहे हैं, हम तो 10 रुपये किलो ले रहे हैं, तो किसान कहाँ जाएगा? तो टिकैत हमारा कहना है, भारतीय किसान यूनियन का टिकैत का, कि हमारे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गारंटी होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, और सबसे एक मांग और है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। कौन सा रोड जाम किया है हमने? करा NH-24। कब तक जाम रखेंगे ये भाई साहब? जब तक हमारा राष्ट्रीय आह्वान है, जब तक राष्ट्र से ऊपर से कोई हमें संदेश नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, चाहे 2 दिन हो या 10 दिन। मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि हमारा MSP जो गारंटेड कराया जाए, उस पर नियम लागू हो कि उससे कम रेट पे अगर कोई खरीदता है तो वो जुर्म की, अपराध की श्रेणी में आए और वो जेल जाए। अब आने वाले टाइम में सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, सरकार से हम यही मांग करें, या तो सरकार सुधर जाए, किसानों को उसका हक दे, वरना ये 2024 से 2022 में जो इलेक्शन है उसमें इसको मुँह की खानी पड़ेगी। जो और सरकारों ने आज तक करा वही ये कर रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आ रहे हैं। तो भैया, ये किसान विरोधी अध्यादेशों को हम कतई नहीं मानेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन जो किसान थे उनके कुछ मांगे थी अध्यादेश को लेके, जिसके संबंध में इन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था, और अब इस समय समाप्त हो चुका है और यातायात व्यवस्था वापस से सुव्यवस्थित हो चुकी है, ट्रैफिक खुल चुका है। और जो भी इसमें ज्ञापन दिया गया था वो SDM और CO द्वारा इसमें लिया गया और ये सक्षम अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, कितनी देर तो NH-24 को जाम किया इन लोगों ने? ये लोग यहाँ सुबह से इकट्ठा थे और ये 20-25 मिनट के करीब ये लोग यहाँ पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, और इस समय यहाँ पे पुलिस बल लगा हुआ था, शांति व्यवस्था बनाई रखी, और इस समय यातायात व्यवस्था इस समय सुचारू हो चुकी है, जाम खुल चुका है।